तो रिव्यू करेंगे इस वीडियो में डेरिवा CMS जेल के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलता है, साइड पे क्या करता है, सावधानी क्या रखे, किस तरह से लगाए, कितने दिन तक लगाए, जानेंगे सब कुछ। सो देखिएगा, देखिए डेरिवा CMS जेल एक ब्रांड नेम है ग्लेनमार्क कंपनी का। ग्लेनमार्क काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट ये बनाती है। ठीक है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ अल्टरनेटिव ब्रांड के बारे में जान लेते हैं क्योंकि कई बार इस नाम से नहीं मिलती, तो आप ले सकते हैं फेस क्रीम AT जेल, एबल्ट कंपनी की आती है। नीलेक ए जेल आती है माइक्रो कंपनी का, वो भी ले सकते हैं। क्लिनडेक AP जेल आती है एल्केम कंपनी की। दोस्तों क्लियर जेल AP आती है HNH कंपनी, वो भी ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे फेमस ब्रांड है, कोई ना कोई मिल जाता है। बात करें भाई यूज क्या है, कहाँ पर दी जाती है, तो दोस्तों कई बार फेशियल स्किन के ऊपर, चेहरे की स्किन के ऊपर बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो जाती है, बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, फैल जाते हैं, ग्रोथ अच्छी हो जाती है, जिसके कारण फिर स्किन खराब रहती है, सूजन रहता है, छोटी छोटी पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आने लगते हैं, निशान भी पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर ये दी जाती है एक्ने ट्रीटमेंट में, डर्मोटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट देते हैं। ठीक है, लगाने की आती है, खाना नहीं है। तो पिंपल्स की प्रॉब्लम है, रेशेज की प्रॉब्लम है, अगर लाल है स्किन, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, वहाँ पर काम करती है। बात करें मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से काम करती है, तो दोस्तों इसके अंदर आता है कलिंडा माइसिन 1% वेट बाई वेट, एक और आता है दोस्तों इसके अंदर एडाप्लिन 0.1% वेट बाई वेट। कलिंडा माइसिन एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को खत्म करेगी, ग्रोथ को कम करती है। ठीक है, एडाप्लिन दोस्तों जो वाइट हेड ब्लैक हेड होते हैं उसको रिमूव करती है, निशान को हटाती है, छोटी छोटी जो पिंपल्स होती है उनको भी ये हटाने में काम आती है। साथ ही साथ सीबम के प्रोडक्शन को कम करती है, अगर ऑयलिंग ज़्यादा है उसको कम करेगी, छिद्र को साफ करने के लिए भी काम आता है, तो इस तरह से काम करती है। बात करें भाई कब लगाएं, कितनी बार लगाएं, तो आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं, सुबह शाम या सुबह दोपहर। लगाने से पहले अच्छे तरह से चेहरे को धो के सूखने के बाद लगा सकते हैं हल्की हाथों से, उतने ही एरिया में लगाना जितने एरिया में प्रॉब्लम है, बाकी सेफ एरिया में नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साइड इफेक्ट थोड़े बहुत हो सकते हैं, जलन होना, इचिंग होना या प्रॉब्लम ज़्यादा होना, ये पिंपल ज़्यादा आ जाना, ये इसके साइड इफेक्ट है जो रेयर है, हर किसी को नहीं होते, घबराने की बात नहीं है। दोस्तों सावधानी इसके लिए है, डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में कोई महिला है यूज़ तो कर सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, अच्छी रहती है। लगाने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धो लीजिएगा। आपको कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट हो, जो प्रॉब्लम कर रहा हो, तो तुरंत इसको यूज़ करना बंद कर दीजिएगा, डॉक्टर को जरूर बताइएगा। संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइएगा, कुछ भी समझा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में।